पावर क्या होती है? लेंस की पावर डिफाइंड है 1/f, ठीक है? क्योंकि यहां से देखो आप कि जितना ज्यादा पावर, मतलब जैसे कन्वर्जिंग लेंस है तो कितना कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है? तो इसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ज्यादा ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं, बताओ? अगर इसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ मान लो ज्यादा है, तो इसका ज्यादा कन्वर्ज नहीं किया, ठीक है? बट फोकल लेंथ ज्यादा है तो देखो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर, ठीक है ना? ऐसे जा रही थी, इसने यहाँ तक ज्यादा एंगल पे कन्वर्ज कर दिया। तो जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर, ठीक है? तो कोई पैरामीटर बनाना था पावर के लिए, तो P इज इक्वल टू क्या बना दिया? 1/f बना दिया। इसकी जगह 2/f बना देता तब भी हम उससे निकाल रहे होते, ठीक है? बट सिंपलिसिटी के लिए उसने पावर को क्या बोल दिया? 1/f। तो 1/f इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, ठीक है? पावर ऑफ द मिरर क्या होती है? -1/f। पावर में एक जगह करा देता हूँ, ठीक है? इसलिए मिरर की पावर मैंने आपको पहले नहीं बताई, ठीक है? तो पावर ऑफ द लेंस है 1/f, पावर ऑफ द मिरर -1/f। तो जनरल एक रूल है बेटा, PC से याद रखो, PC होता है सबके घरों, ठीक है? तो इस PC से याद रखो, जब भी पावर पॉजिटिव है तो सिस्टम हमेशा क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग सिस्टम होता है, वो लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो, ठीक है? कि पावर अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग कहलाता है। देख लो आप, ये आपका कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है कि नहीं? तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? नेगेटिव, तो P क्या बन गया? पॉजिटिव, ठीक है? तो पॉजिटिव पावर हमेशा इम्प्लाई करती है कन्वर्जिंग सिस्टम। और इंडिविजुअली देखना है आपको लेंस की और मिरर की, तो लेंस का जो होता है पावर वो होता है 1/f। हाँ अरुण बेटा, गुड बेटा, गुड, ठीक है? और पावर ऑफ द मिरर क्या होती है? -1/f, ठीक है? तो ये आपकी पावर का जस्ट फार्मूला ही है, ठीक है? बाकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकल लेंथ मीटर में यूज कर रहे हैं तो पावर आपकी क्या कहलाएगी? डायोप्टर में कहलाएगी, ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखो, डायोप्टर ऐसा यूनिट है। तो आप जब भी डायोप्टर में पावर टिक कर रहे हैं ऑप्शन कोई, तो ध्यान से देखो कि आपने फोकल लेंथ कहीं सेंटीमीटर में तो यूज नहीं कर ली, ठीक है? फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, तब आपकी पावर ऑफ द लेंस या पावर ऑफ द मिरर किस में आएगी? डायोप्टर में आएगी, ठीक है? तो सिंगल लेंस की तो कोई भी दिक्कत नहीं है पावर निकालने, बट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या सिल्वर्ड मिरर, उनकी पावर बहुत पूछी जाती है। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक और कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, ठीक है? वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक और कंसेप्ट समझनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलेंगे उसको, ठीक है? तो वो देखिए आप कैसे समझेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है, क्या उसका एप्लीकेशन है, ठीक है? तो ये पावर के फार्मूले मत भूलना। लेंस के लिए 1/f, मिरर के लिए -1/f। एक जनरल क्राइटेरिया है, पावर पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग सिस्टम, ठीक है? चलिए, वेरी गुड।